दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपका मेरे चैनल पे। तो लास्ट श्लोक में, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो पंडित लोग होते हैं वो ना तो किसी के प्राण जाने का गम करते हैं, ना ही किसी के होने का। तो वो आगे बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी समय में मैं नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मोहित नहीं होते इन चीज़ों को लेकर। तो हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग, मतलब थोड़े थोड़े पल जो होते हैं खुशी देने वाले, उन संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते होने वाले तथा सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के समान होते हैं। मतलब इंद्रियों के थ्रू जो उत्पन्न होते हैं ना, कभी एकदम से खुशी होती है, कभी एकदम से गम होता है, तो वो सब एक ऋतुओं के समान होते हैं। इसलिए भरतवंशी पुत्र, अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर, मतलब उनको उनकी वजह से विचलित मत हो और उनको सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख तथा दुख में कभी विचलित नहीं होते, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष यह निकाला गया है कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी के साथ हम अपना ये श्लोक अभी के लिए समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए श्लोक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।